मिलेट्स यानी कि तरीके तरीके के होल ग्रेन, जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी, कुट्टू, राजगीरा, चेना, इन सब को एक नाम दिया जाए तो वो हिंदी में है बाजरा और इंग्लिश में मिलेट्स। ये बहुत ही सेहतमंद और स्वादिष्ट होते हैं अगर ठीक से बनाए जाए तो। देखिए एक पंजाबी परिवार ने इसे अपनी डेली डाइट में कितने मजेदार ढंग से शामिल किया। मिलिए चड्ढा जी के परिवार से। इनकी बहू ललिता चेन्नई से है और बेटे का नाम है विनीत। ये दोनों अपनी छोटी सी बिटिया चिन्नी के साथ में चड्ढा जी के साथ ही रहते हैं। चिन्नी अब 4 महीने की होने को आई है। ललिता चाहती है कि चिन्नी का अन्नप्राशन मनाया जाए। विनीत परेशान है, उसके पापा को ये सब पसंद नहीं है। तभी विनीत की माँ ने ललिता से कहा, चिन्नी अब 4 महीने की होने वाली है, वी शुड गिव हर सेमी सॉलिड्स लाइक खिचड़ी। ललिता को दिल की बात कहने का मौका मिल गया। वो बोली, माँ हमारे यहाँ अन्नप्राशन होता है जब बच्चा सॉलिड खाना शुरू कर देता है, लेट अस डू दिस प्लीज। विनीत के पापा को ये सब फालतू लगता था। वो विनीत की माँ से बोले, अरे तुम इन चोटियों में कहाँ पड़ गई, हम पंजाबियों के ये सब कब से होने लगा। अरे क्या हर्ज है, अच्छा है, सब मिल लेंगे। अरे तुम भी ना। सब तरफ चहल पहल है। आज घर के सामने वाले बगीचे में अन्नप्राशन का आयोजन है। ललिता की माँ ने ललिता की सास को एक कैसरोल देते हुए कहा, ये चाइना यानी कि प्रोसो मिलेट की खीर है, आप बच्चे को ये खिलाना अन्नप्राशन में। मिलेट्स बच्चे को खिलाने से उसका डाइजेशन सही रहता है और उसे भरपूर कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन भी मिलता है। ललिता की सास ने कैसरोल को चड्ढा जी के हाथ में देते हुए उसको रसोई घर में रखकर आने के लिए कहा। चड्ढा जी गुस्से से बोले, अरे मिलेट्स यानी बाजरा, हमारे यहाँ तो सिर्फ बाजरे की रोटी खाते हैं और वो भी सर्दियों में। चड्ढा जी का गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था। वो किचन में एक चेयर लेकर बैठ गए और कैसरोल को अपने सामने रखा और लगे बुदबुदाने। ये सब चिन्नी को ना नुकसान ना करे, पहले मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। चड्ढा जी ने बड़ी सावधानी से पहले थोड़ी सी खीर कटोरी में ली और चखी। खुशी के मारे उनकी आंखें चमक गई। फिर उन्होंने थोड़ी सी और खीर ली और चखी, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और, फिर थोड़ी और। अरे बाप रे, ये तो सारी खीर खत्म हो गई, अब क्या करूं। तभी उनके कानों में विनीत की माँ की आवाज सुनाई थी, अरे विनीत अपने पापा को बुलाना और कटोरी में थोड़ी खीर ले आओ किचन से, चलो पूजा शुरू करते हैं। विनीत जब किचन में आया तो वो देखकर बहुत चक्कर रह गया। वो मिलेट्स का कैसरोल, मिलेट्स की खीर का कैसरोल, जिसके पापा इतना सख्त खिलाफ थे, वो किचन में खुला हुआ और खाली पड़ा हुआ था और पापा उस कैसरोल के सामने शर्मिंदा से बैठे हुए थे। विनीत को समझ में नहीं आया वो हंसे या वो क्या करे। वो तो अच्छा हुआ ललिता की माँ ने फिर से प्रोसो मिलेट की खीर बना दी और इस तरीके से चिन्नी का अन्नप्राशन संपन्न हुआ। अन्नप्राशन के बाद सब लोग मिलके बैठे और खूब हंसे और चड्ढा जी हंसते हंसते बोले, मानते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन चावल से कहीं गुना बेहतर थी प्रोसो मिलेट्स की खीर, पता ही नहीं चला कब खत्म हो गई चखते चखते। ललिता की माँ बोली, अब चिन्नी के साथ आप सब मिलेट्स को अपने रोज के खाने में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। राजमा, कड़ी, माँ की दाल, इनके साथ आप कोडो, फॉक्सटेल या लिटिल मिलेट बना सकते हैं। कभी इन्हीं डिशेस के साथ में आप चावल खा लीजिए, कभी मिलेट्स को चावल की तरह बना के खा लीजिए। मिलेट्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, अयो अच्छी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मेरी बात सुनकर ललिता की सास बोली, बहन जी आप ही बता दीजिए साफ सुथरे अच्छे मिलेट्स कहाँ से मिलेंगे। मैंने उन्हें बताया ये सबसे आसान है, आप ऑर्गेनिकली ग्रो अनपॉलिश्ड सुपीरियर क्वालिटी के मिलेट्स मीजॉस और ग्रेनॉस ब्रांड्स, जो टीफोडिन कंपनी की ब्रांड्स हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। ये ब्रांड्स कम से कम 35 वैरायटी के मिलेट्स और मिलेट्स मिक्सेस बेचते हैं। देखिए इनकी रेंज, देखिए कितनी बढ़िया रेंज है।